क्योंकि फैक्ट ये है कि करप्शन की वजह से जो करप्शन रिजल्ट हो रहा है अलग अलग लेवल्स पर, बहुत सारी फ्री अपॉर्चुनिटी डिनाई हो रही है, बहुत सारा फेयर कॉम्पिटिशन ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जुल्म करने का मौका मिल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जेबों को भर के स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, गरीब बहुत सारे लोग हैं जिनके बेसिक खाने के प्रॉब्लम्स हैं। अब जब इस सिचुएशन में हम सब यहाँ बैठे हैं और हम एक बहुत मैक्रो लेवल पे सोचते हैं तो इसके बहुत ही सीवियर रिपरकशंस हैं, जो हम देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर अमीर और गरीब का फर्क बहुत बड़ा हो चुका है, और वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह करप्शन है और बढ़ता ही जा रहा है ये फर्क, बढ़ता ही जा रहा है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या सही और क्या गलत। कई बार क्या होता है कि एक ट्रेंड होता है सोसाइटी में, एक बहाव होता है, कई बार एक गलत चीज इतनी आम होती है कि लोग उसे गलत ही नहीं समझते, गलत नहीं समझते। और कई बार ऐसा होता है सोसाइटी के बड़े बड़े जब वो गलत काम करते हैं तो लोग उसे गलत समझना बंद कर देते हैं। फिर भी गलत और सही का एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड हमें पता कैसे चलेगा, ये बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि हम सब इंसान का बनाने वाला जो क्रिएटर है वो हमें डूज एंड डोंट्स, राइट एंड रॉन्ग बताएगा, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पर एक इस्लाम ने जो सिखाया है मैं बताना चाहूँगा। कुरान के अंदर आयत है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 188, जिसके अंदर आता है कि अपने माल को मत दो हुक्मरान को, दोज़ इन पावर को, ताकि तुम किसी और के माल को खा जाओ। कोई लाइन में आगे है, अब उसकी जगह पर मेरी फाइल आगे आ जाए, या किसी और को पीछे करके अपने आप को आगे करना। उसी तरह एक और हदीस है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मतलब रिश्वत, क्लियर कट रिश्वत देने से रोका जा रोका गया है। बल्कि सिर्फ वो नहीं, बल्कि इसके अंदर एक हदीस है सुनन अबू दाऊद में सही सनद से, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रिश्वत देने वाला है और रिश्वत जो लेने वाला है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत है, कर्स ऑफ अल्लाह। आप देखेंगे कि जो लोग रिश्वत लेने वाले हैं वो जो पैसा होता है, क्योंकि फैक्ट ये है ना कि एक इंसान दुनिया में तो कर सकता है, सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है, एक चॉइस है, इख्तियार है, लेकिन एक चीज़ का रिजल्ट बेयर करना पड़ेगा दुनिया में भी और मरने के बाद की ज़िंदगी में भी। तो जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु जसदिन नबत मिन सुहती फन्नारु औला बिही, हर वो गोश्त जो हराम कमाई खा के बनता है उस गोश्त पर जहन्नम की आँख का हक होता है। तो अब यहाँ ये देखते हैं कि गोश्त तो खुद का ही नहीं बन रहा है, वो बच्चे का भी बन रहा है। कई बार ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के जो बच्चे होते हैं उनके औलाद के रिजल्ट दुनिया में ही दिखने लगते हैं।